हम तो मजबूर हो गया कोयटे का अल हिकमत लेडी सदर है इधर कराची पर। हमारा नाम अजदाद मोहम्मद है, अल महमूद कोच का मालिक हूँ। हमारा बस ये चमन से भी चलता है, कोयटे से भी चलता है, सारा पाकिस्तान पर चलता है। हम लोग ने कोस्ट गार्ड वाला ने इतना मजबूर किया है कि हम लोग दो ठेर उठावे, दो गार्ड कपड़ा उठावे, इसमें भी पैसा मांग रहे, अगवानी आ रहे, बीमार है, गवर्नमेंट ने आर्डर दिया हुआ है कि भाई जाओ कराची पर इलाज करो, उसमें भी पैसा मांग रहे। इतना मजबूर किया है कि इक्कासी चेकपोस्ट है, हमारा बस ये भी किश्तों पर कुरियन वाला दो FIR भी किया, हमारा गाड़ी भी 8 गाड़ी खड़ा किया, सारा ट्रांसपोर्ट का तरफ से सारा ट्रांसपोर्ट तंग है, तकलीफ में है। ये कोस्ट गार्ड की वजह से तकलीफ है, पैसा मांग रहे, 50,000 देव, लाख रुपये देव, 50,000 देव, लाख देव। हम लोग तंग है, हम लोग मजबूर है, आज तो बस चलाया, कल जान के लिए भी तैयार है। ट्रांसपोर्ट के साथ हमने बात किया, सारा हमारे साथ लिखने के सारा पाकिस्तान भी जाम करेगा कि हमारे साथ अच्छा रौलत नहीं कर दे, चेकपोस्ट खत्म नहीं कर दे, सहूलत नहीं कर दे। पैसेंजरों पर भी पैसा मांग रहे हैं, बसों पर भी मांग रहे हैं, दो टेरों पर भी मांग रहे हैं, दो गाट कपड़े पर भी मांग रहे हैं। डीजल महंगा है, आपको पता है, किराया कम है। वज़ीर-आला साहब ने बताया कि हम लोग चेकपोशियाँ ख़त्म करेगा, अभी तक चेकपोशियाँ ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। वज़ीर-आला साहब अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। हमको बताया कि भाई ये कोस्ट गार्ड गैर कानूनी है, ख़त्म होएगा, तो कोस्ट गार्ड वज़ीर-आला का बात भी नहीं सुनता है, हमारा ट्रांसपोर्ट का भी नहीं सुना हुआ है। तो कल हमने बस चलाया और 15 बसें और हमारा खड़ा था, उसको भी हमने पेट्रोल डाला था। फिर DC साहब आया, उसका कहने पर हमने 2 दिन उसने टाइम लिया कि भाई 2 दिन उसका साथ हम बिठाया। 8 घंटे चेकपोस्ट रास्ता बंद था, न कर्नल आया, न मेजर आया, न DG आया, कोई फौजी लोग कोस्ट गार्ड का एक बंदा जिम्मेवार भी नहीं आया। हालांकि मरीजे भी था, बीमार भी था, सब कुछ था, रास्ता बंद था 8 घंटे, इसका कोई जिम्मेवार नहीं आया। फिर DC का कहने पर हमने छोड़ दिया, 2 दिन उसने हमारे से टाइम लिया। लिहाजा तो ये लोग कल से भी ये काम कर रहा है, ये नाजायज कर रहा है, कल भी हड़ताल करेगा, परसों भी करेगा, बस भी जलाएगा, सारा पाकिस्तान भी बंद करेगा। ये मरीज लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, चमन से आ रहे हैं, कोयटे से आ रहे हैं, हम 3,000 रुपये किराया ले रहे हैं, 4-4 घंटे इधर लेंदो पर गड़ा है, 4-4 घंटे। बेशक है सामान बंद कर दे, नहीं सामान का जिम्मेवार नहीं है, बॉर्डर ये बंद है, सामान आता है नहीं, चमन बॉर्डर भी बंद है, तिप्तान बॉर्डर भी बंद है, सब कुछ सामान के। हम लोग दो गाट कपड़ा उठाए, दो ठेर उठाए, कैलेंडर भी और खर्चे के लिए। हमारे साथ तकरीबन अभी 6,000 नौकर है, 6,000 बंदे है। आज उसने बताया कि आज ही आपने हमारा बस जलाया, इस बस में 10 बंदे घर का रोजी मिलता था, 10 बंदे इसका बंदे लगा हुआ था। तो सर ये मेहरबानी कर दे, हमारे साथ ये सरकार ये कोस्ट गार्ड का चेकपोस्ट गैर कानूनी ख़त्म कर दे। हम लोग सारा नहीं ख़त्म करेगा, कल सारा पाकिस्तान भी जाम करेगा। ये 2 दिन DC के लिए हमने टाइम दिया, 2 दिन पर यह मामला ख़त्म नहीं हो गया, हम सारा पाकिस्तान भी कानूनी तौर बंद करवाएगा। कोई इसके साथ हमारा न दुश्मनी है, न हमारा बाप का दुश्मनी है। ये सारा ट्रांसपोर्ट का तरफ से सारा लोग तंग कर रहा है, पैसेंजरे तंग कर रहा है, ड्राइवर इसका वजह से एक्सीडेंट कर रहा है। इक्कासी चेकपोस्ट है, एक एक घंटा हो जाए, कितना घंटे हो गया, एक एक मिनट खड़ा हो जाए, 81 मिनट हो गया। इसके वजह से ड्राइवर को नींद भी आता है, रोड सिंगल है, पत्थर का गाड़ी जा रहा है, 2-2 गज गाड़ी का पत्थर बाहर निकला हुआ है, बस ये एक्सीडेंट हुआ। कोई गवर्नमेंट हम लोग उनका काम नहीं कर रहे, कोयटा कराची का महीने पर तकरीबन 100 बंदे ये एक्सीडेंट हो पर मर जाए। रोड सिंगल है, रोड पक्का नहीं है, गैर कानूनी ट्रकें जा रहे हैं, अफगानिस्तान का जा रहे हैं, नाटो का जा रहे हैं, पाकिस्तान का जा रहे हैं, रोड सिंगल है, बसों का रोजाना एक्सीडेंट, रोजाना बंदा मरा, रोजाना ये हमारा साथ ये ताउन कर दे, चेकपोस्ट ख़त्म कर दे, ये कोस्ट गार्ड से कल से ख़त्म कर दे, नहीं ख़त्म कर दे, ये तो मैसेज ले रहा है, 50,000 भी मांगता है, 1.5 लाख भी मांगता है। हमारा कोस्ट गार्ड का मैसेज का मोबाइल का नंबर हमारा साथ है, चाम ने कितना भेजा हुआ है, हमारा भाई ने कितना भेजा हुआ है, हमारे रिश्तेदार ने कितना भेजा हुआ है। रात को तकरीबन 150 मैसेज उसके पास जाएगा, एक बस पर 1.5 लाख रुपये मांगता है। वो बोलता है चोरी करो हमारे लिए पैसा लाओ, जाओ चोरी करो हमारे लिए पैसा लाओ। बंदों के ऊपर भी मांगता है, जनानों के ऊपर भी मांगता है, मरीजों के ऊपर भी मांगता है। हालांकि उसका साथ शिनाख्ता कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, हमारा इतराज़ नहीं है। बगैर शिनाख्ता कार्ड नहीं छोड़ता है, नहीं लाओ, बगैर पासपोर्ट वाला नहीं छोड़ता है, नहीं लाओ। वो सब कुछ उसके साथ है, फिर भी ये पैसा मांगता है। IPC भी नाजायज कर रहा है, कोस्ट गार्ड भी नाजायज, ये तो किस्टम का काम है। किस्टम का तो अभी भी कोयटा कराची 3-4 चेकपोस्ट है, बेशक है वो अपना चेकिंग कर दे, अपना केस बनाए। अब कोस्ट गार्ड का एक मतलबा और है, 10 साल से यह सामान्य उतार है, इसके साथ कोई सबूत नहीं है। इसने केस बनाया, इसने सरकार को जमा किया, इसने बैंक हवाले किया। हम कोयटे पर लीलाम पर सामान ले हुए, कपड़ा ले हुए, ठेर ले हुए, उसके साथ बैंक का पर्ची भी है, रसीद भी है, सब कुछ है। रोजाना एक एक हफ्ते पर लीलाम होएगा सरकारी।
वो सामान हम बस पर डाल देवे, इधर वो कागज पड़ देवे, पैसा देवे, सामान उतारो। बस ये बदमाशी हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, हम मजबूर है, बस भी जलाया, जान भी जलाएगा, बच्चे भी जलाएगा और सारा पाकिस्तान भी कानूनी तौर बंद करेगा। था उसने दो दिन का टाइम लिया कि भाई हम आपको बिठाएंगे, आपकी जितनी भी जायज मुताजिबात है उसको हल कर देंगे। ऐसा कई बार हुआ है, कई बार हड़ताली हुई है, वादे हुए सही करने के, सिस्टम को सही करने के, वो दो दिन सही हो जाता है, तीसरे दिन फिर वही धंधा चल पड़ता है। तो इसलिए प्रॉपर वज़ीराला ने जो अभी कहा था कुद्दुस बजिंदोर साहब ने कि भाई ये गैर जरूरी चेक पोस्ट, अभी आप कराची से पंजाब तक एक भी चेक पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। आप जाओ गाड़ी में सवार हो जाओ, ना कोई पुलिस आपको रोकेगा, ना कोई एफसी आपको रोकेगा, मगर क्वेटा से यहाँ से आप जब रवाना होंगे तो आपका शलवार तक चेक किया जाएगा। जब आप क्वेटा से कराची तक आओगे ना तो आपका जेब तो छोड़, आपका शलवार भी चेक किया जाएगा। इतनी तजलील होगा लोगों का यहाँ पर। आप कराची से खवातीन बच्चे, आप सुबह जाओ सुबह 6 बजे ये खवातीन लेटरिन एक बना हुआ है, बंदे हजार खड़े होते हैं, सबकी तजलील करते हैं। क्यों कुछ पता नहीं कि आखिर इधर से आ क्या रहा है। यानी 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोगों को खड़ा किया जाता है, पूरा रास्ता भी 8 घंटे का, चेक पोस्ट भी 8 घंटे का, यानी हमारा कुल सफर 16 घंटे का बन जाता है। ये एक हफ्ते से पहले भी ये बातें हो रहा था कि भाई ये कोस्ट गार्ड जो है, कोस्ट गार्ड बना हुआ है, कोस्ट गार्ड रोड ये जो है पानी के लिए बना हुआ है, ये कोस्ट गार्ड ख़त्म है। अभी ये लोग हमारे ऊपर गुंडगर्दी कर रहे हैं कोस्ट गार्ड वाला। कोस्ट गार्ड बोल रहे हैं कि भाई पैसे दो फिर गाड़ी निकालो।